नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू सांगवी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो गया। आपको बता दें कि बीते दिनों यानी 28 अक्टूबर को बिहार में पहले चरण का मतदान था, जिनमें 16 जिलों के 71 विधानसभा सीटों का पहले चरण का जो मतदान है वो खत्म हो गया। लेकिन इस बीच डॉक्टर प्रेम कुमार जो कि कृषि मंत्री हैं, उन्होंने जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने बिहार की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा है कि जिस तरीके से बिहार की जनता ने एनडीए को सपोर्ट किया है, अपना समर्थन दिया, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बिहार की जनता इस बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में लाना चाहती है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग अधिकारियों और जिस तरीके से बिहार की जनता ने अपना बहुमूल्य वोट दिया है, इससे साफ हो गया है कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनना तय है। विशेष क्या कुछ कहा है डॉक्टर प्रेम कुमार ने, आप खुद सुनिए। सफल आयोजन पर है, बिहार की जनता को बधाई देता हूँ। जब कोरोना काल के इस कठिन समय में पहले चरण का शांतिपूर्ण मतदान का इस बात का प्रचायक है कि बिहार में हमेशा से शांति, विकास और विश्वास के संकल्प पर आगे बढ़ते हुए बिहार के विकास के लिए मतदान किए। इसके लिए मैं चुनाव आयोग, चुनाव में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों और अपना बहुमूल्य मत देने वाली सम्माननीय जनता को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बिहार की जनता ने बीते 15 सालों के विकास एवं आत्मनिर्भर बिहार के लिए मतदान किया है। जनता के उत्साह और मतदान प्रतिशत को देखते हुए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एनडीए को भारी बढ़त मिल रही है और विपक्ष दहाई के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी 3 जनसभाओं में दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है, यह साफ दर्शाता है कि केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी और राज्य में नीतीश कुमार जी के साझे नेतृत्व में एनडीए के पक्ष में एक लहर चल रही है। तो आपने सुना जिस तरीके से डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार की जनता ने यह तय कर लिया है कि इस बार बिहार की जनता 15 सालों के विकास को वोट दिया है, तो वो अब चाहती है कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की ही सरकार बने। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। नमस्कार।